गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ गायत्री विद्या मंदिर कानपुरा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ ग्रामर और वी कैन से दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम बच्चों बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के पहले टॉपिक, क्या कह सकते हैं कि जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच। बच्चों ये जो क्लास है वो कक्षा 6 से 10वीं तक सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक है और ये अपने को पता होना बहुत ज़रूरी है। आज हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है इसके बारे में एक सामान्य सी जानकारी प्राप्त करेंगे। आप आराम से समझते जाइए। तो हम सबसे पहले बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। हम जिस किसी भाषा में सभी हम शब्दों को देखते हैं तो उन शब्दों के अलग अलग प्रकार होते हैं। इसी प्रकार से अंग्रेजी में भी जितने भी शब्द हैं, वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स के कुल 8 प्रकार हैं। तो इंग्लिश में शब्दों के कुल 8 प्रकार हैं। शब्दों के कुल 8 प्रकार हैं। इन्हीं 8 प्रकारों को पार्ट्स ऑफ स्पीच या शब्द भेद कहा जाता है। जो कि इस प्रकार हैं, हम शुरू करेंगे। सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसे आप सब अच्छी तरीके से जानते भी होंगे, नाउन। वैसे तो नाउन बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, इसको अपन डिटेल में भी समझेंगे, लेकिन आज अभी इस क्लास में केवल हम इंफॉर्मेशन, जो जनरल सामान्य से जानकारी है, उसके बारे में प्राप्त करेंगे। नाउन आप समझ सकते हो संज्ञा, हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, अंग्रेजी में भी पढ़ा होगा, इसकी परिभाषा भी पढ़ी होगी, लेकिन आज हम थोड़ा सा हट के अलग से इसके उदाहरण पे जाएंगे, परिभाषा की तरफ नहीं जाएंगे। हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। तो हम देखते हैं कि जो नाउन होते हैं वो क्या होते हैं। तो आप सीधे से सरल शब्दों में एक ये जो वर्ड मैं लिख रहा हूँ ये याद रखिए, नेमिंग वर्ड्स। जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, नेमिंग वर्ड्स मतलब जो भी संसार में वस्तुएं हैं, इंसान है, जानवर है, उनके जो नाम होते हैं वो सारे नेमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। तो वो ही सारे नेमिंग वर्ड्स, जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लो स्टूडेंट, जो स्कूल जाते हैं उनको स्टूडेंट बोलते हैं, नाम हो गया। बुक एक वस्तु हो गई, बर्ड एक पक्षी जो भी उड़ते हैं उनको अपन बर्ड्स कहते हैं, या आप किसी स्थान का नाम भी दे सकते हो जैसे क्लास, ठीक है। जैसे आप किसी इंसान का नाम जैसे राम, तो जो ये जो सारे शब्द है ये कहलाएंगे आपके नाउन। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स। जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो सभी नाउन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दूसरा जो अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको कहेंगे प्रोनाउन। द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। लेकिन हमें क्या समझना है, हमें इनका अर्थ समझना है, इसको समझना है, रटना नहीं है। तो प्रोनाउन को जब अपन देखते हैं तो प्रोनाउन के लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि संज्ञा के स्थान पर जब हम किसी से कुछ बात कर रहे हैं और उसका आगे वाले का नाम रोहित नाम है, तो हम उससे जब बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम एक बार तो कहेंगे कि रोहित अच्छा लड़का है, उसके बाद बार बार रोहित होशियार है, रोहित क्रिकेट खेलता है, रोहित होमवर्क टाइम पे करता है, तो बार बार रोहित नाम नहीं लेंगे हम। रोहित की जगह एक शब्द का प्रयोग करेंगे जिसको कहेंगे ही, उसका अर्थ होता है वह। अब जैसे एक बार तो अपन ने बोल दिया रोहित अच्छा लड़का है, उसके बाद अपन बार बार रोहित नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे वह अच्छा होशियार बच्चा है, वह होमवर्क टाइम पे करता है, वह क्रिकेट खेलता है, इस तरह से। तो ये जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है ये कहलाएगा सर्वनाम। तो इस तरह से अगर लड़की होती तो हम सी का प्रयोग करते, अगर वस्तु होते तो अपन इट का प्रयोग करते,
ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन होते हैं तो उनकी जगह अपन आई का प्रयोग करते हैं, यू का प्रयोग करते हैं सेकंड पर्सन की जगह। अगर प्लूरल नाउन होता तो उसकी जगह अपन दे का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे जो कहलाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं वो कहलाएंगे प्रोनाउन। तीसरा अपना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका वर्ब। बच्चों इसको मैं अलग से और पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए हमें वर्ब को बहुत तरीके से और ध्यान से समझ लो कि मैं इसका जो सामान्य जानकारी दे रहा हूँ वो एक बार आप देख लीजिए। तो वर्ब जो रहती हैं उसको हिंदी में तो आप जानते ही होंगे क्रिया बोलते हैं। इसके अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है, यूटिलिटी के आधार पर, द बेसिस ऑफ मीनिंग, अर्थ के आधार पर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, वीकेस्ट, कई तरह के वर्ब के प्रकार होते हैं, वो हम बाद में समझेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझना है कि वर्ब जो होती हैं मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य। अब मनुष्य क्या क्या कार्य करता है, जैसे जाना, आना, सोना, बैठना, इस तरह से कई तरह के कार्य हैं, वो सारे मुख्य क्रियाएं होती हैं, वो ही वर्ब कहलाती है अपनी। और कुछ होती है जो सहायक क्रियाएं होती है, जैसे आप इज ले लो, वर हो गया, हैव हो गया। तो इस तरह से ये जो कुछ सहायक क्रियाएं होती है और कुछ होती है मुख्य क्रियाएं। मुख्य क्रियाएं मनुष्य के द्वारा की जाने वाली कुछ क्रियाएं हैं, कुछ कार्य हैं, वही सारे वर्ब में आते हैं। आप वर्ब में जब आप आगे पढ़ेंगे तो हम मॉडल भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आज जो क्लासेस में इंट्रोडक्शन देख रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा डिटेल पे नहीं पढ़ेंगे, एक बार के लिए सामान्य सी जानकारी। मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले कार्य आप विभिन्न कार्य ले सकते हो, या हिंदी में जिन शब्दों के पीछे अधिकतर ना का प्रयोग होता है, जैसे सोना, बैठना, कूदना, चलना, ये सारे जो है वो वर्ब कहलाएंगे। इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब का मैंने आपको बता दिया, सहायक क्रिया के रूप में वाक्य में प्रयोग में ली जाती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में ईज हो गया, एम हो गया, आर हो गया। मॉडल्स भी होते हैं, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड। तो ये रहे आपके 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। आपको जो लिखना है उसका मैं एक पीडीएफ भेजूंगा, उसमें से ही आपको लिखना है। हम 8 में से 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच इस क्लास में समझेंगे, बाकी के 3 जो हैं वो अगली क्लास में समझेंगे। अब अगला है चौथा, वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है आपने सुना होगा कि जब हम किसी संज्ञा के बारे में, किसी नाउन के बारे में बात करते हैं तो कई बार उस नाउन की विशेषता बतानी पड़ती है। अब विशेषता कई तरह की होती है, जैसे आपके पास मैंगो है, मैंगो समझते हो बच्चों, आम। अब अगर आपके पास एक से ज़्यादा आम है तो अपन कहेंगे मैंगोज़, और अगर आप उनको गिन सकते हो, जैसे 5 आम है आपके पास तो आपने लिखा 5 मैंगोज़, आई हैव 5 मैंगोज़। तो ये मैंगोज़ तो हो गया नाउन बच्चों, ये तो हो गया नाउन, और ये जो 5 है ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो विशेषता ही क्या कहलाएगी, एडजेक्टिव। तो ये 5 क्या हो गया, एडजेक्टिव, ADJ अपन शॉर्टकट में लिख सकते हैं, ADJ शॉर्ट में अपन इसको ADJ लिख सकते हैं, फुल फॉर्म इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसी तरह से कई तरह शब्द होते हैं, जैसे आप ले सकते हो ए भी एक विशेषण है, एन एक विशेषण है, द एक विशेषण है, मैनी एक विशेषण है, ठीक है बच्चों, गुड हो गया, गुड बॉय, बैड बॉय, इस तरह से फ्यू, कम, तो कई तरह के विशेषण होते हैं। तो आप एडजेक्टिव से इतना मतलब समझिए कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, तो प्रोनाउन और नाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो आप इन शॉर्ट इनको बोल सकते हो क्वालिफाइंग वर्ड्स, QUALI, क्वालिफाइंग वर्ड्स, ठीक है। तो जितने भी क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। तो जो आप आम तौर पर भी देख सकते हो, जिस किसी वर्ड की सहायता से किसी नाउन को क्वालिफाई किया जा रहा है वो सारे ही क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव। अब अगला है एडवर्ब, ये भी इससे मिलता जुलता लग रहा है लेकिन ये थोड़ा सा अलग है,
क्रिया विशेषण, इसको बोलेंगे क्रिया विशेषण। नाम से ही पता चल रहा होगा, क्रिया विशेषण का मतलब होगा कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा और ध्यान रखना है, दो चीज़ों की विशेषता बताएंगे, एक तो क्रिया की विशेषता और एक विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता। अब आप कहोगे कैसे, तो देखिए जैसे हम देखते हैं कि अगर इसकी पहचान की भी बात करनी हो, जैसे कोई चल रहा है, योगी क्रिया, अब वो कैसे चल रहा है, ठीक है, कैसे चल रहा है, फास्ट चल रहा है, तो उसके लिए अपन यूज़ करेंगे ही इज़ गोइंग वेरी फास्ट, ठीक है। अगर वो धीरे चल रहा है तो अपन कहेंगे ही इज़ गोइंग स्लो। तो इस तरह से हम जब क्रिया की विशेषता, ये जो विशेषता बताने वाले शब्द, यही क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। अब जैसे अब इसका और एक तरीका है, आप ज़्यादातर जो एडवर्ब होते हैं उनके पीछे ly लगा हुआ होता है, जैसे कि एक वर्ड है उसके पीछे मैंने ly जोड़ दिया तो ये हो गया स्लोली। तो आप जो स्लोली हैं इसको आप एडवर्ब बोल सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर जो आपके एडवर्ब होंगे उनके अंत में क्या लगा हुआ होगा, ly। तो ly लगे हुए शब्द ज़्यादातर क्या कहलाएंगे, एडवर्ब। ठीक है, हमारे ये जो पांच पार्ट्स ऑफ स्पीच थे ये हमने आज समझे। आप एडवर्ब में ले सकते हो स्वेरी, सो, टू, यस्टरडे, ठीक है, इस प्रकार से कई सारे एडवर्ब आप समझ सकते हो। तो ये जो पांच मेन आपको याद रखने हैं, इनमें से जो अपन ने शुरू किया था वहाँ से हम एक बार वापस देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल ही सरल भाषा में समझेंगे, इंग्लिश में शब्दों के कुल 8 प्रकार होते हैं, इन्हीं 8 प्रकारों को शब्द भेद कहा जाता है और यही आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहलाते हैं जो वाक्य में प्रयोग में लिए जाते हैं। पहला है नाउन, जिसको आप संज्ञा बोलते हो, जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो सारे ही आपके इसमें आते हैं। इसमें आपका पर्सन का नाम आएगा, प्लेस का नाम आएगा, एनिमल्स का नाम आएगा, थिंग्स का नाम आएगा, तो जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के नाम क्या कहलाएंगे, नाउन। अब देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन में नाउन के जगह पर प्रयोग में लिए जाने वाले शब्द, ठीक है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग प्रयोग में लिए जाते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे जब बताऊँगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट हैं वर्ब, क्योंकि ये हमारा सब जगह प्रयोग में आएगा, टेंस में भी इसका प्रयोग होगा, तो इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम। वर्ब हिंदी में क्रिया बोलते हैं, मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य, या हिंदी में जिन शब्दों के पीछे ना आपको लगा दिखाई देगा वो सारी ही वर्ब होती है। कुछ एग्जांपल जैसे गो, कम, स्लीप, सिट, और कुछ क्रियाएँ जो सहायक क्रिया के रूप में वाक्यों में प्रयोग में ली जाती है, इज, एम, आर, वर, हैव, और कुछ मॉडल भी होते हैं जो मॉडल्स भी आपको समझाएंगे। अब जो अगला है, चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने सीखा था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो विशेषता बताता है, या आप क्वालिफाइंग वर्ड्स भी बोल सकते हो जिसको। अब विशेषता किसकी बताएगा, नाउन की या प्रोनाउन की, तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो बताएगा वो आपके कहलाएगा एडजेक्टिव। जैसे मैंगोज, तो मैंगोज की अगर एक विशेषता आ गई फाइव, आपके पास पांच मैंगो, तो फाइव मैंगोज, तो ये फाइव हो गया एडजेक्टिव। इस तरह से कई सारे एडजेक्टिव होते हैं, जैसे ए, एन, द, मैनी, गुड, फ्यू, तो जो भी वर्ड्स क्वालिफाई कर रहे हैं किसको, नाउन और प्रोनाउन को, तो वो एडजेक्टिव कहलाएंगे। फिर पांचवा जो आज का अंतिम है वो अपन देखते हैं, क्रिया विशेषण। स्लो, फास्ट, गो, क्रिया विशेषण, क्रिया और विशेषण। स्लोली, जैसे जिसके पीछे ly लगा हुआ वहाँ से आप पहचान सकते हो। अब क्रिया विशेषण, क्रिया और विशेषण की विशेषता बताता है, क्रिया और विशेषण की विशेषता, यानी कि वर्ब और एडवर्ब, वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले वर्ड क्या कहलाएंगे, एडवर्ब कहलाएंगे। जैसे कोई बच्चा जा रहा है, गो यानी चलना, तो चलने की दो विशेषता होती है, फास्ट और धीरे, तो ये दोनों चीज़ें क्या होगी, एडवर्ब हो गई। इस तरह से कई सारे एडजेक्टिव होते हैं जिनकी पहचान आप एक सामान्य सी बात करो तो ज़्यादातर एडवर्ब के पीछे ly लगा हुआ होता है, जैसे स्लोली और इसके कुछ एग्जांपल और वेरी, सो, टू, यस्टरडे आदि। आशा करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आ रहा होगा। हम
इससे आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। और ये जो क्लास है कक्षा 6 से 10वीं तक के सभी बच्चों के लिए कॉमन है। आपको होमवर्क में क्या लिखना है उसका एक अलग से PDF मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप इसको आराम से इस वीडियो को एक से दो बार देखें। थैंक यू सो मच।